मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध करने के बाद पत्रकारों को बताया। देखिए कैमरामैन अमित के साथ साउद सिद्दीकी की भोपाल से एक रिपोर्ट। रोका जा रहा, जबकि जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बीजेपी के बने उनको भी हरी झंडी देके चलाया जा रहा है। ये सब हम इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाए हैं और हमें विश्वास है कि इलेक्शन कमिश्नर हमारी बात पे गौर करेंगे, संज्ञान लेंगे और एक्ट करेंगे। एक नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद एक चीज सामने आ रही है कि लोगों की संपत्ति इन 5 सालों में बहुत अधिक बढ़ी है, चाहे वो बीजेपी के हों और चाहे वो कांग्रेस के नेता हों। देखिए, बीजेपी जहां समृद्ध मध्य प्रदेश का नारा दे रही थी, आज देखने में आ रहा है कि उनके विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री समृद्ध हुए हैं इन 5-10 साल में। जहां मुख्यमंत्री की संपत्ति 1.5 गुना बढ़ी, वहीं श्रीमती मुख्यमंत्री की 8 गुना बढ़ी है, जो कि आश्चर्यजनक है। ऐसे इनके मंत्रियों की भी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। समृद्ध मध्य प्रदेश के नारे के साथ केवल मुख्यमंत्री और उनके मंत्री समृद्ध हुए हैं, नहीं तो किसान की हालत तो ये है कि 21,000 किसान यहाँ आत्महत्या कर चुका है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, जनता गरीब हुई है, पर मंत्री और मुख्यमंत्री कई गुना समृद्ध हो गए हैं।